इस बजट पर दुनिया भर के निवेशकों और क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की निगाहें थी इस बात को लेकर कि चिदंबरम कैसे वित्तीय घाटे और चालू खाते घाटे पर लगाम लगाते हैं। वित्तीय घाटे को अनुमानित 5.3% से कम करके 5.2% पर करने में वित्त मंत्री कामयाब रहे हैं और 2013-14 के लिए उन्होंने वित्तीय घाटे के लक्ष्य को 4.8% रखा है, जो कि आज के आर्थिक हालातों को ध्यान में रखते हुए काबिले तारीफ है। बजट पेश करते वक्त वित्त मंत्री के सामने तीन मुख्य चुनौतियां थीं: गिरती विकास दर, बढ़ती महंगाई और चालू खाता घाटा। बजट में वित्त मंत्री का पूरा ध्यान सतत विकास को बढ़ावा देने पर रहा है, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया है कि विकास दर में गिरावट आई है। We are not unaffected by what happens in the rest of the world, and our economy too has slowed after 2010-11. In the current year, the CSO has estimated growth at 5%, while the RBI has estimated growth at 5.5%. Whatever may be the final estimate, it will be below India's potential growth rate of 8%. Getting back to that growth rate is the challenge that faces the country. हालांकि उन्होंने आशा जताई कि अर्थव्यवस्था 8% की दर से विकास कर सकती है। सरकारी खजाने पर सब्सिडी का बोझ जरूर बढ़ गया है। बजट में अनुमानित करीब 1,90,000 करोड़ की सब्सिडी का बोझ बढ़कर 2,57,000 करोड़ से भी ज्यादा हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि सरकारी खजाने पर 67,000 करोड़ की सब्सिडी का अतिरिक्त बोझ पड़ा है। सरकार ने ईंधन पर दिए जाने वाली सब्सिडी को कम करने की कोशिश की है, साथ ही अगले साल के लिए खाद्य सुरक्षा के लिए 10,000 करोड़ रुपए दिए हैं, जिससे सब्सिडी का लक्ष्य 2,31,000 करोड़ निर्धारित हुआ है। महंगाई ने सरकार और आम आदमी को पूरे साल सताया है। RBI द्वारा की गई ब्याज दरों में सख्ती के बावजूद महंगाई दर 7% के आसपास ही नजर आई, जो RBI के 4.5% के अनुमान से कहीं ज्यादा रही, और इसके चलते सरकार ने सप्लाई को और भी दुरुस्त करने पर जोर दिया है। तेल के बढ़ते आयात और भारतीयों के सोने में निवेश के प्रति बढ़ते आकर्षण के चलते सरकार को चालू खाता घाटों को काबू में करने के लिए कई प्रयास करने पड़े हैं। सरकार ने FDI और ECB को काफी बढ़ावा दिया है, ताकि इस साल $75 बिलियन तक भारतीय अर्थव्यवस्था में आ सके और चालू खाता घाटा काबू में किया जा सके। गौरतलब है कि सरकार के लिए इस साल के बजट में सबसे बड़ी उपलब्धि योजनागत खर्चों में कमी है। बिजनेस डेस्क, DD News।